हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। अभी मैं हूँ सिद्धार्थ नगर जिले के डुमरियागंज क्षेत्र में और मैं निकलना हूँ नेपाल टूर के लिए। जो एंट्री का जो क्षेत्र है मैं वो खुनवा बॉर्डर चूज किया हूँ, तो नेपाल में मैं खुनवा बॉर्डर से घुसूँगा। बाकी मेरा बैकपैक रेडी है, बाइक भी रेडी है, निकलते हैं अभी। चूँकि सडनली भी प्लान नहीं है कि नेपाल में जाना कहाँ है, देखता हूँ पहले बॉर्डर पर जाता हूँ उसके बाद डिसाइड करूँगा कि कहाँ जाना है। फाइनली पूरी तैयारी हो गई, निकलते हैं अब कि लेट हो रहा है। मेरा ग्लव्स, fight through the pain, we gon' rise up and champ, we gon' strive to make gains, cause we don't hide from the blame, we take pride when we train, we gon' rise up and champ, we gon' hike through the pain, we gon' die with a name, we gon' fight through the pain, we gon' rise up and champ, we gon' strive to make gains, we don't hide from the blame, we take pride when we train, we gon' rise up and champ. अभी मैं हूँ भारत नेपाल के बॉर्डर, बढ़नी बॉर्डर पे। जब आप डुमरियागंज क्षेत्र से आते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन रहता है, आप बढ़नी क्षेत्र से भी नेपाल में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ जो है बढ़नी जो है 5 किलोमीटर है, बट मैं जाऊँगा खुनवा बॉर्डर से क्योंकि मुझे वहाँ से ज़्यादा कम्फर्टेबल रहेगा। देखिए इंडिया नेपाल बॉर्डर बढ़नी जो है यहाँ से 5 किलोमीटर है, आप इधर से भी एंट्री कर सकते हैं। इस जिले का जो सिद्धार्थ नगर जिले का जो सबसे बड़ा बॉर्डर है इंडिया नेपाल का बॉर्डर है वो बढ़नी बॉर्डर है, और इससे छोटा बॉर्डर खुनवा है। मैं खुनवा से एंट्री करूँगा, तब तक के लिए चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा मैं रेस्ट लूँगा, थोड़ा चाय पानी ले लूँ क्योंकि यहाँ ज़्यादा दूरी नहीं है। यहाँ से जो है खुनवा बॉर्डर जो है 20 किलोमीटर, ज़्यादा दूरी नहीं है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हम चाय वो पी लूँ, कुछ रिफ्रेशमेंट हो जाए। सिसवा से जो है खुनवा बॉर्डर ज़्यादा दूरी नहीं है, 20-25 किलोमीटर होगा, इससे ज़्यादा दूरी नहीं होगी, मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आधे घंटे या 1 घंटे और लगेगा। यहाँ से मैं सीधे खुनवा बॉर्डर के लिए निकलूँगा, उसके बाद जाके वहाँ पर देखते हैं, प्लान करते हैं कहाँ जाना है। अभी कुछ डिसाइड है नहीं जाना कहाँ है, जाने के बाद ही डिसाइड होगा। लिया मैंने, अब निकल रहा हूँ मैं, जितना जल्दी पहुँच जाओ उतना जल्दी सही रहेगा। देखिए बॉर्डर एरिया में आते ही यहाँ का मौसम देखिए कितना ज़्यादा चेंज हो गया, चारों तरफ देखिए सामने जो है कितना ज़्यादा कोहरा गिरा हुआ है। जबकि डुमरियागंज से हम चले थे उधर इतना ज़्यादा कोहरा नहीं था, लेकिन इधर देखिए थोड़ा बाइक चलाने में भी प्रॉब्लम हो रही है, सामने ज़्यादा क्लियर दिख नहीं रहा है। निकलते हैं खुनवा बॉर्डर के लिए, आधे घंटे लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, वहाँ पहुँच के फिर डिसाइड करते हैं। ज़्यादातर चांस है मैं आज कोशिश करूँगा सुपा देवराली को कवर करने का, क्योंकि वो बॉर्डर से ज़्यादा दूरी है नहीं, बेसिकली जो है खुनवा से 70 किलोमीटर होगा सुपा देवराली, तो एक दिन में जो है कवर हो जाएगा। देखते हैं बाकी जाके आगे का प्लान करते हैं। मैं खुनवा बॉर्डर पहुँच गया हूँ, मेरा दोस्त एक नेपाल से आ रहा है, उसके साथ निकलेंगे सुपा देवराली के लिए।
मेरा दोस्त जो आ गया है यहाँ से, हम लोग अभी देखिए खुनवा बॉर्डर पे हैं, यहाँ से निकलेंगे हम लोग नेपाल के लिए, फिर उसके बाद पहले भंसाल करना पड़ेगा बाइक का, उसके बाद जो है निकलेंगे। Damn, everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. Gate है, entry gate है, जहाँ से entry होती है नेपाल का। आप नेपाल में हम लोग entry कर लिए हैं। यहाँ जो basically जो है entry करते हैं, आपको APF वाले checking करते हैं। उसके बाद जो है ये नेपाल की मर्यादपुर चौकी है। यहाँ से करीब आधे किलोमीटर जाने के बाद आपको जैसे अपने यहाँ इंडिया में कस्टम ऑफिस होता है, वहाँ पे भंसाल ऑफिस है, वहाँ हम लोग बाइक का भंसाल कराएंगे, उसके बाद जो है आगे का सफर शुरू करेंगे। नेपाल का जो है भंसाल ऑफिस है, यहाँ आपको भंसाल कराना पड़ता है, क्योंकि बिना भंसाल के यदि आप आगे जाएंगे तो आगे चेकिंग होगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि नेपाल का जो रूल रेगुलेशन है बहुत स्ट्रिक्ट है। यहाँ जो है बाइक का एक दिन का जो भंसाल का रेट है वो नेपाली जो 200 रुपये है और इंडियन जो है 120 रुपये है, और फोर व्हीलर का जो है नेपाली 500 रुपये है और इंडियन जो है 300 रुपये है, यही तो रेट है जो भंसाल का एक दिन का यहाँ पे। I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. Dai, kati huncha dai? Kati huncha. Kati huncha. Ramro cha. Thank you for chai. Heather dai. काफी दिनों के बाद मुलाकात हुई ना हैदर भाई? और क्या, काफी दिनों बाद, लगभग हमको लग रहा साल भर हो गया, एक साल तो हो ही गया है ना, भंसाल जो है हो ही गया हम लोगों का, हम निकलेंगे यहाँ से, लेट तो हो ही रहा है बट चलते हैं, मजा आएगा, चला जाए, भंसाल हो गया, चाय।